प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब चुनाव जीत की रणनीति बना रही है। आज भाजपा विधायकों के कैंप का दूसरा दिन है। इस दौरान आज भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण का पहला सत्र शुरू होगा। इस सत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहली बार जीतकर आए विधायकों को विधायी कार्य और नियम प्रक्रियाओं की जानकारी दी। साथ ही विधायकों के लिए राज्यसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया को लेकर डमी वोटिंग सत्र का भी आयोजन किया, जिसमें विधायकों को मतदान करने की प्रक्रिया समझाई गई। वहीं इस दौरान विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक मुरलीधर राव, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोनलाइन पर मौजूद है। जी पिंटू सिंह, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी खेमे में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस प्रकार से ट्रायल कराई जा रही है? देखिए आशीष, आज भाजपा विधायकों के कैंप का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज जो विधायक हैं उनको मतदान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज पहला सत्र ये प्रशिक्षण का शुरू हुआ। इस दौरान तमाम जो विधायक आए हैं, जो नए विधायक चुनकर आए हैं, जिनको विधायी कार्यों की जानकारी नहीं है, उन सबको विधायी कार्यों की और जो नियम प्रक्रिया है उसकी जानकारी दी जा रही है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में मतदान काफी महत्वपूर्ण होता है, एक वोट की काफी महत्वता होती है, काफी बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है और रिजेक्ट होने का डर है। ऐसे में बार बार जो डमी वोटिंग है वो विधायकों से करवाई जा रही है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 4 सत्र होंगे डमी वोटिंग के, उनमें बार बार विधायकों को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से सावधानी को रखते हुए मतदान किया जाए ताकि वोट सही दिशा में हो सके, रिजेक्ट होने का कोई डर नहीं हो, उसी को देखते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जो विधायक आ रहे हैं, नए विधायक आए हैं जिनको विधायी प्रक्रिया की इतनी जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी दे रहे हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, गुलाबचंद कटारिया, नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, तमाम उन विधायकों को ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही जब ये कार्यशाला शुरू हुई उससे पहले जो चीन और जो भारत के जो सैनिकों में झड़प हुई थी उसमें जो गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है 2 मिनट का मौन रखकर। जी आशीष, बिल्कुल पिंटू, यहाँ पर बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। संख्या बल नहीं है लेकिन फिर भी 2 प्रत्याशी इनके चुनाव मैदान में है, तो यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है क्योंकि इनके 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और इनके पास संख्या बल की कमी है। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए पर्याप्त संख्या बल दूसरी सीट के लिए नहीं है, इनको 51 विधायकों की जरूरत है दूसरी सीट के लिए, लेकिन इनके पास 24 विधायक हैं। हालांकि आरएलपी के विधायकों का इनको समर्थन है लेकिन फिर भी ये उस संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं और जो कांग्रेस के से खेमे में जो मन मुटाव है, जो कांग्रेस के जो असंतुष्ट विधायक हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से हमको वोट करेंगे, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो रणनीति के तहत ये दूसरा प्रत्याशी उतारा गया था, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी इस अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि जो संख्या बल है उसे काफी दूर है। हालांकि अब देखना यह है कि जब राज्यसभा चुनाव मतदान होगा उसमें किस प्रकार का परिणाम निकलकर सामने आता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में आशीष देखने को मिलता है कि वोट दिखाकर डालना होता है, जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं पार्टी के उसको मत दिखाकर मतदान किया जाता है, तो ये संभावना कम रहती है कि क्रॉस वोटिंग हो। तो कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि ये रणनीति शायद ही बीजेपी की इसमें सफल हो। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जयपुर संवाददाता पिंटू सिंह नरुका, जिन्होंने अपडेट दी बीजेपी की किस प्रकार की राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हैं।